नमस्ते दोस्तों, आज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को एक बैनर का डिज़ाइन। ये बैनर का जो डिज़ाइन है ये एकदम सिंपल सा डिज़ाइन है, मगर इसमें जो खूबियाँ है वो है ऊपर जो ये बैनर में जो आप लोग फोटोग्राफ यूज़ करेंगे वो जो इसका बैनर का जो बैकग्राउंड है उसी हिसाब का होगा। बैनर का जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड का कलर से हम लोग वो फोटोग्राफ का कलर मैच करवाएंगे। तो कैसे, ये देखिए, पहले हम लोग ले लेते हैं एक फाइल, न्यू फाइल ले लेते हैं। इसका हाइट कीजिए 30 इंचेस, इधर इंचेस है यूनिट, और विथ है 60 इंचेस, मतलब 5 फीट। ओके, और रेजोल्यूशन, ये जो बैनर होता है ना फ्लेक्स में जो प्रिंट होता है उसका रेजोल्यूशन ज़्यादा नहीं रहता, उसका रेजोल्यूशन 100 आप ले लीजिए। ठीक है, अभी आप क्रिएट कीजिए। क्रिएट, ये आ गया हमारा बैनर का साइज। ओके, ये बैनर का साइज आ गया। अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को वो सब लाना है जो ये बैनर में जो हम लोग यूज़ करेंगे, मतलब इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो फोटोग्राफ है, टेक्स्ट है, वो सब लाना है। मैं एक अलग सा फोल्डर बना के रखा हुआ है, देखिए, फाइल ओपन, ये फोल्डर है। मैंने ये जो काजी नजरुल इस्लाम है, आप लोग जानते हैं, ये काजी नजरुल इस्लाम एक कवि है, और ये गुरुजी है, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर है, और ये एक बैकग्राउंड है। पहले ये जो 3 फोटोग्राफ हम लोग ले लेते हैं, ओपन किया, ये 3 फोटोग्राफ आ गया। अभी हम लोगों को क्या करना है, पहले हम लोगों को इसमें जो बैकग्राउंड है वो डालना है। ठीक है, कहाँ डालना है, ये हम लोग जो साइज लिया हुआ है बैनर के लिए उसमें इसको लाना है। इधर से पिक किया और इधर ले लिया। ठीक है, ऐसे आप ले सकते हैं और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं फाइल में जाके। मैं इसी हिसाब से इसका 12 कर लिया, हो गया हमारा ये बैकग्राउंड। ओके, अभी हम लोगों को क्या करना है, क्या लेना है, इसका बहुत ही सिंपल सा इसका डिज़ाइन है। हम लोग दोनों साइड में ये 2 कवि को रखेंगे, दोनों साइड में, इधर हम लोग काजी नजरुल इस्लाम जी को रखेंगे, इधर रख दिया उनका तस्वीर, और इधर हम लोग मैंने ओके नहीं किया इसलिए फिर ये ऐसा हो गया। इसी साइज को लेना है हमें। अभी आप इंटर भी मार सकते हैं या इधर चेक मार्क भी कर सकते हैं। हो गया, बन गया, और इसको अब बंद कर दीजिए। और दूसरा जो फोटोग्राफ है गुरुजी का, वो कहाँ गया, गुरुजी का जो फोटोग्राफ है इधर मैं ले लिया, इसको भी बंद कर दो, और ये गुरुजी का फोटो भी मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, और इसको थोड़ा इधर इसको घुमाना है उधर, तब दोनों आमने सामने हो जाएगा, ये दोनों फोटोग्राफ अच्छा लगेगा।
ये देखिए अभी हमको क्या करना है, एडिट में जाना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है और फ्लिप हॉरिजॉन्टल में जाना है, ये आमने सामने हो गया। अभी क्या करना है, ये जो देखिए कैसे मैच करेंगे ये बैकग्राउंड के साथ, पहले इसको ना आप लोग ले लीजिए, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इमेज में जाना है, एडजस्ट में जाना है और कलर बैलेंस में जाना है। कलर बैलेंस में जाके थोड़ा सा इसको आप ऐसे रेडिश कर दीजिए, थोड़ा सा इसको येलो ऐसे, ये ना प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट अगर मैं आप लोगों को बोल दूंगा, सभी जो फोटोग्राफ है इसका अलग अलग अमाउंट होगा, ये बोलने से और लिख के रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। आप लोग थोड़ा ऐसे कलर कर लीजिए सीपीआई जैसा, ओके कर दीजिए। मैंने सिर्फ मीडिया टोन को ऐसा कलर किया, फिर इमेज में जाइए, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो फोटो है उसका, उसको भी कलर बैलेंस में जाइए, जाके थोड़ा बहुत इसको ऐसे कलर दे दीजिए, ऐसे थोड़ा येलो दे दीजिए, हो गया इसका कलर, ओके कर दीजिए। आप लोगों को अभी क्या करना है, देखिए ये मैंने रविंद्रनाथ टैगोर का जो फोटो है मैंने ये सिलेक्ट किया, ये जो लेयर है ये लेयर को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। अच्छा ये जो टाइमलाइन इसको क्लोज करना है तब और बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है, बड़ा करके दिखा सकता हूँ आप लोगों को, ये देखिए चला गया मैं। इसके बाद क्या करना है, इमेज में जाना है, एडजस्ट में जाना है और इधर ध्यान रखना है कौन सा लेयर सिलेक्ट है। ये देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जिस लेयर में है 3 नंबर लेयर, इसको मैंने सिलेक्ट किया, और इमेज में जाइए, एडजस्ट में जाइए और आपको क्या करना है, ये मैच कलर, ये जो मैच कलर ये लेना है, ठीक है। मैच कलर में मैं आ गया, इधर देखिए सोर्स, सोर्स में जाइए, जाके क्या करना है, ये अनटाइटल्ड ले लिया, क्योंकि ये जो मैंने देखिए कुछ मैंने सेव नहीं किया इसका, इसलिए इसको कोई नाम भी नहीं है ये फाइल का, ये अनटाइटल्ड है, आप अनटाइटल्ड ले लीजिए, और नहीं तो पहले आप लोग सेव किया तो जिस नाम पे सेव किया उसी फाइल नेम को आप लोग ले लीजिए। तो देखिए अनटाइटल्ड ले लिया, और लेयर कौन सा लेना है, ये लेयर नंबर 1 इसके साथ मैच करवाना है। तो लेयर नंबर 1 में क्या है, ये बैकग्राउंड है, तो लेयर नंबर 1 को मैंने ले लिया। देखिए कलर इधर आ गया, ये बैकग्राउंड कलर का साथ जो मैच होता है ये आ गया। अभी अब ये जो लुमिनेसी, कलर इंटेंसिटी, फेड, ये सब, ये जो स्लाइडर है, ये स्लाइडर आप लोग थोड़ा बड़ा के कमा के, ये बड़ा, ये थोड़ा स्लाइडर को आप लोग ऐसे कर दीजिए, फेड थोड़ा ज़्यादा हो गया तो फेड कर दीजिए थोड़ी सी, ये देखिए ये मुझे लगता है अभी आ गया, ठीक है, अभी यहीं पे छोड़ दीजिए, यहीं पे छोड़ दीजिए, ओके कर दिया मैंने। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे जाना है फिर वो कहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे फिर वो कलर बैलेंस में, कलर बैलेंस कंट्रोल बी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा रेड देखिए आप तो पूरा आ गया बैकग्राउंड कलर का, ये थोड़ा बहुत येलो कर दिया, क्योंकि इधर जो बैकग्राउंड का जो कलर है ये ज़्यादातर रेड येलो में है। तो अभी देखिए ये जो लगता है, अभी ये जो बैकग्राउंड का कलर का ही साथ ये रविंद्रनाथ टैगोर का जो फोटो वो मैच हो गया, ओके कर दीजिए। अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी काजी नजरुल इस्लाम जी का जो फोटो है वो मैच करवाना है। सेम तरीका है, पहले इसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद जाइए इमेज, एडजस्ट में जाइए
और उसके जाने के बाद मैच कलर कीजिए, और मैच कलर में जाने का बाद आप लोगों को एंटर क्लिक लेना है। सोर्स कौन सा है, किसका साथ मैच करेंगे, ये जो तस्वीर को किसके साथ, कौन लेयर का साथ या कौन फोटो का साथ मैच करवाएंगे, ये दिखाना है सोर्स को। ठीक है, सोर्स को दिखा दिया मैंने, ये अनटाइटल्ड जो फाइल है इसके साथ मैच करवाना है, अनटाइटल्ड का जो लेयर है वो लेयर कौन सा है, लेयर वन। तो इधर लेयर का ऑप्शन है, इधर लेयर का ड्रॉप डाउन में हम लोग लेयर वन दे देंगे। अभी देखिए ये लेयर वन का वन में आ गया, और हम लोग क्या करेंगे अभी, ये जो बैकग्राउंड, ये देखिए बैकग्राउंड कलर का साथ ये मैच हो रहा है। ठीक है, हम लोग फेड नहीं करेंगे, ये पूरा ले लिया, अभी हम लोग ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इमेज में जाएंगे, एडजस्ट में जाएंगे, और इसके साथ हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे फिर कलर बैलेंस में। कलर बैलेंस में आ गया, इसको थोड़ा रेड बढ़ा दो, बढ़ गया, येलो बढ़ा दो, ठीक है, येलो भी बढ़ गया। आप इसके बाद इसका शार्पन या और भी कुछ आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो बाकी सब जो मतलब ऑप्शंस है उधर जाके आप लोग कर सकते हैं। इधर फिलहाल मुझे अभी ठीक लग रहा है तो मैंने ओके कर दिया। ठीक है, ओके करने के बाद हमको क्या करना है, अभी मुझे इसका कि मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड का एक कॉपी बना के मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, ऊपर आ गया, और इसका जो ट्रांसपेरेंसी, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दो, मतलब ओपेसिटी कर दो, ओपेसिटी कम कर दो, कम हो गया। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इरेजर लेंगे, इरेजर लेके आपको क्या करना है, ये सॉफ्ट राउंड जो है, ये सॉफ्ट राउंड लेना है और इसको इरेज करना है। देखिए हम, मैं क्या करूँगा, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर का फोटो है ये मैं इरेज करूँगा, कहाँ तक, जहाँ तक मुझे चाहिए। ये देखिए मैंने ये इरेज कर दिया, और इसके बाद क्या करना है, मैं क्या इरेज कर रहा हूँ, ये जो ऊपर जो बैकग्राउंड रखा हुआ है ये मैं इरेज कर रहा हूँ। अभी मैं इस साइड में, राइट साइड में जो नजरुल जी का जो फोटो रखा हुआ है, तो उनका फोटो का साइड मैं इरेज कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत इरेज करके आप लोग क्या करेंगे, इसका जो ओपेसिटी आप लोग कम कर दिया, ये फुल कर दीजिए, मतलब पूरा ओपेक हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं और नहीं तो पूरा तस्वीर भी रख सकते हैं, मगर ये एक टेक्निक है, ऐसे भी आप लोग रख सकते हैं, लगेगा कि पूरा ये बैकग्राउंड से उभर के आया। ठीक है, ये देखिए, और रविंद्रनाथ टैगोर जी का साइड में इसका भी मैंने, ये देखिए ये देखिए, मैंने इसको ऊपर से इरेज कर दिया, और नीचे जो बैकग्राउंड है वो सेम बैकग्राउंड है। इरेज करने से थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो कुछ मतलब दिखाई नहीं देगा। आप लोग एक देखिए, एक थोड़ा सा छोटा सा लाइन आ रहा है इधर देखिए, थोड़ा सा लाइन आ रहा है, ये क्या है, ये जो नीचे जो तस्वीर है उसका जो, ये बंद कर दीजिए ऊपर का, ये देखिए इसका लाइन आ रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये आप लोग थोड़ा सा रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो जिस लेयर में है फोटो, वो फोटो सिलेक्ट कीजिए और इसको थोड़ा सा इरेज कर दीजिए। इरेज भी कर सकते हैं, मास्क करके भी होता है, मगर मैं समझता हूँ इतना करने का ज़रूरत है नहीं, सिर्फ इधर थोड़ा
इरेज करने से इसका काम हो जाएगा। ये देखिए, देखिए, और आप लोग ज्यादा इसको इरेज नहीं करेंगे तो इसका लाइन भी आएगा नहीं, ठीक है। अभी इसको ऑन कर दीजिए, मतलब आँख खोल दीजिए, आप देखिए दिखाई नहीं देगा, ये लाइन चला गया, ठीक है। ये देखिए बन गया, इसका बैकग्राउंड बन गया। अभी कुछ टेक्स्ट देना है, टेक्स्ट में मैं ज़्यादा कुछ दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे ये जो दिखाना था वो एक बैनर का जो डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन में आप लोग बैकग्राउंड का हिसाब से आप लोग फोटो को कैसे इधर फोटो को कैसे बैकग्राउंड का हिसाब से आप लोग बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा बहुत टेक्स्ट इधर लिख कर रखा हुआ है, कॉपी रख दिया, और इसका कलर भी, मैं इसको कलर कौन सा कलर अच्छा रहेगा, इसमें हम लोग सफ़ेद कर दूंगा तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। येलो भी कर सकते हैं आप लोग, देखिए येलो भी कर सकते हैं, सफ़ेद भी कर सकते हैं। चलिए सफ़ेद कर दिया, और इसको हम लोग थोड़ा बोल्ड कर देंगे, ठीक है, थोड़ा बोल्ड या ब्लैक ऐसा कुछ, थोड़ा मोटा टाइप कर देंगे, हो गया, ये बन गया। अभी इसको थोड़ा क्या करना है, थोड़ा खींच दीजिए, उसके बाद इसको थोड़ा इफेक्ट दे दीजिए। इफेक्ट क्या देना है, ड्राफ्ट शेडो दे दीजिए, ड्राफ्ट शेडो। ये टेक्स्ट मैंने एकदम सिंपल सा दे रहा हूँ, क्योंकि टेक्स्ट का जो काम है, टेक्स्ट में जितना सारा इफेक्ट देना है, एक टेक्स्ट में क्या क्या दे सकते हैं इफेक्ट, क्या क्या फॉन्ट दे सकता है, ये सब दूसरे कोई वीडियो में मैं दिखाऊंगा। अभी तो मैं इसको ज़्यादा डार्क नहीं ऐसे कर दिया, और एक स्ट्रोक दे रहा हूँ, स्ट्रोक का कलर येलो, देखते येलो कैसे लगता है, ओके, थोड़ा बहुत येलो दे दीजिए, थोड़ा सा थ्री पिक्सल, ओके। देखिए एकदम सिंपल सा ये एक बैनर का डिज़ाइन बन गया। थैंक यू, आज यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक शेयर भी कीजिए। थैंक यू।